है कि पहले तो अफसोस इस चीज़ का है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई बंदा नहीं है, कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है। 20 दिन से हमारा रोड यहाँ से गया हुआ और कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। नर्सरी से लेकर 12th तक हमारे बच्चे यहाँ से सफल होते हैं। अब किस चीज़ का ये डिस्ट्रिक्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ मरें, हम लोग यहाँ मरें? हमारी बच्चे वाले होते वो एक दफा आए यहाँ से और पैदल चल के यहाँ से देखें कि किस तरीके से हम उन औरतों को पीठ में उठाते हैं, डिलीवरियां जंगलों में हो जाती हैं। वो लोग किस चीज का इंतजार करें हमारे मरने का? हमारी डीसी साहब से हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि वो हमारी बात को सुने, वो इस पब्लिक की बात को मामूली ना समझें। अगर आज हम इस रोड में हैं, कल हम डीसी साहब के बाहर आएंगे, हमें मार दो, हमें ऐसे भी तो इस पस्सी में मरना, हम उधर ही उनके सामने आके मरेंगे और उधर ही उनके पास आके बैठेंगे, फिर तब जाके उन लोगों को होश आएगी। अगर 8 दिन के अंदर इस रोड को मतलब काम नहीं लगाया गया तो हमारी ये तमाम पब्लिक जो है रामबन नेशनल हाईवे पे जब तक हमारे रोड कंप्लीट नहीं होगा, अगर रोड के काम शुरू ना करने की वजह से हमारे लोग जो हैं रामबन मतलब नेशनल हाईवे पे बैठे रहेंगे। 17 तारीख से यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है और हमारे यहाँ पर तकरीबन 16,000 से ज़्यादा की आबादी जो है बुरी तरह से मुतासर हुई है। सुनने में आया कि आज रात को भी रात के 3 बजे कोई प्रेगनेंट लेडी यहाँ पर लाई गई थी और जो किसी महिंद्रा में लाई गई थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस लेडीज़ का क्या हशर हुआ होगा। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर पर इस रोड को रिस्टोर किया जाए।